हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने DIY रेमेडी लेके आ गई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, हम ऐसा क्या लगाए जिससे हमारे चेहरे के दाग धब्बे रिमूव हो जाए, चेहरे पे निखार आ जाए और सांवलापन भी ख़त्म हो जाए? तो आज की ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ्रेंड। तो देखिए, हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ली है फ्रेंड, कोकोनट ऑयल है और ये कस्तूरी हल्दी है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप जो रेगुलर अपने किचन में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी भी ले सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है फ्रेंड तो जो किचन की हल्दी आप लेंगे उससे भी कम लेना, बस एक चुटकी लेना है आपको। और दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे ही 1 मिनट के लिए मिक्स नहीं करना है फ्रेंड। इससे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू मिक्स करना है, जिससे कि जो हल्दी है हमारे ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं फ्रेंड, इससे आपकी स्किन ब्राइट होगी, चेहरे की झुर्रियाँ फाइन लाइंस रिमूव होगी। नारियल तेल हमारे हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है फ्रेंड। इसे हमें रेडी करके तुरंत अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है फ्रेंड, कम से कम 4 से 5 मिनट हमें रख देना है इसे रेस्ट करने के लिए। तो 4 से 5 मिनट हो गए थे, मैंने फेस को पानी से वॉश किया है, इसके बाद मैंने पूरे फेस पे इसे अप्लाई किया है और हमें मसाज करना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक। हल्के हाथों से इस तरह से हमें सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से करना है। और जितना हो सके फ्रेंड आपको अपर डायरेक्शन में इसे मसाज करना है, क्योंकि ये रेमेडी जो है हमारे झुर्रियों को, फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, ढीली स्किन को टाइट करेगा, दाग धब्बों को रिमूव करेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया है, दो ही हैं, पर दोनों के दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड। जब इसे आप अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आप खुद देख पाओगे, एक बार में ही तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये कोई जादुई चीज़ नहीं है फ्रेंड कि एक बार आप अप्लाई करोगे आपकी स्किन तुरंत टाइट हो जाएगी, दाग धब्बे तुरंत रिमूव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट आपको रिजल्ट एक बार में ही दिखाई देगा, धीरे धीरे से आपके चेहरे के दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे और आपकी ढीली स्किन टाइट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जब हम कोई रेमेडी देखते हैं और हमें पता भी होता है कि वो रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बट उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जो हमें बाहर से लेना है, वो हमारे घर पे अवेलेबल नहीं है हमारे किचन पे, तो हम उसको वहीं पर स्किप कर देते हैं, बिल्कुल भी हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं अपने चेहरे पे क्योंकि हमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड। अगर आपको पता है वो रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते, अपने बालों की केयर नहीं करते, इससे हमारे चेहरे पर समय से पहले झुर्री आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं। चाहे आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा हो या ना हो, फिर भी आपको स्किन केयर करनी ही चाहिए फ्रेंड, नाइट में करनी चाहिए, मॉर्निंग में करनी चाहिए। बाहर अगर कभी भी आप निकल रहे हैं तो उसके पहले आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन के निशान आ जाते हैं, सन टैन की समस्या हो जाती है। तो यही छोटी छोटी गलतियां जो हम करते रहते हैं और जब हमारी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है तब हमें पता चलता है, तब जाके हम अपनी स्किन की केयर करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे हम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें और फटाफट से सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। इसलिए आपको अपने स्किन की केयर करते रहना चाहिए, चाहे आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे हो या ना हो। तो यहाँ पे मसाज कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड और मैंने लिया है टिशू पेपर। टिशू पेपर के मदद से जो हमारे स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल है उसे मैं ड्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं फेस को वॉश नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड, इसी तरह से मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। तो आई होप फ्रेंड ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये रेमेडी आप सभी को। मैं इसे बिल्कुल भी वॉश नहीं करूँगी, कोई फेस वॉश, कोई सॉप नहीं, ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप वॉश कर सकते हैं, बट कोई फेस वॉश या सॉप का इस्तेमाल ना करें। और रात में हमारी स्किन प्रिपेयर होती है फ्रेंड, तो ये जब भी आप ये रेमेडी का इस्तेमाल करें, आप नाइट में ही करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आप सभी को। जब आप सुबह उठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो गई है, स्मूथ हो गई है। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।